एक्चुअली गवर्नमेंट से गाइडलाइंस हमें मिला है दैट तीन कैटेगरी का है, तीन कैटेगरी के हैं। फर्स्ट मेडिकल वाला जो जो जिसका है होगा इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट, उन लोग का टू एंड फ्रो पास दिया जाएगा, और बाकी जो एक्चुअली जो इसका ज़रूरी है उनको तो वन वे पास दिया जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जो लेबरर्स वगैरह हो है उनको कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपना गाड़ी व्यवस्था करके पास लेके फिर जाएंगे। और कोई को, और एक 104 सिस्टम भी है, 104 सिस्टम में फ़ोन करके दे कैन रजिस्टर विद देमसेल्फ दैट दे नीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और इसके लिए हमारा करीमगंज में ऐसा व्यवस्था किया है, अराउंड 5 डी बसिंग पॉइंट्स बनाए, डी बसिंग मतलब एम्बार्केशन पॉइंट्स जहाँ से उतरेंगे। एक बदरपुर घाट में है, बदरपुर घाट से यहाँ पे आएगा करीमगंज ASTC कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद नीलम बाजार थाना के सामने, देन नसीमगंज का जो बाईपास का जो सेकेंड बाई लेन है, यहाँ पे इस तरफ पतारकंडी के लिए जाता है, एक तरफ आरके नगर के लिए जाता है। और वहाँ पे हर जगह पे पुलिस भी होगा, मेडिकल टीम्स भी होगा, जहाँ पे भी डीएम्बार्केशन हो रहा है वहाँ पे मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद उन लोग के लिए हमने उनका घर पहुँचाने के लिए गाड़ी का भी व्यवस्था किया होगा। ई टू वी हैव द डेटाबेस से हमारे लोग डेटाबेस इन द सेंस द नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू करीमगंज, उनका डेटाबेस से हम उसका डिसाइड करेंगे कहाँ कैसे कैसे करना है। अभी मोस्टली हमारा क्या है, इट इज़ कन्फाइंड टू बराक वैली ओनली, हमारा बहुत कम लोग बाहर से आ रहे हैं, बट बराक वैली का दूसरा डिस्ट्रिक्ट से बहुत लोग आ रहे हैं। अभी एट दी मोमेंट अराउंड 22 पीपल आ रहे हैं करके हमारा कचार डिस्ट्रिक्ट से इंफॉर्मेशन मिला, उनका अभी हम एम्बार्केशन वहाँ पे एक्चुअली कंसोलिडेटेड लिस्ट मेघालय गवर्नमेंट को मिलने के बाद उनको वो परमिशन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वो ये नहीं है कंसोलिडेटेड लिस्ट, किस किस को कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट ने पास दिया है वो देखने के बाद वो मेघालय गवर्नमेंट अलाउ करेगा। पास लेने के लिए हमारा ई पास सिस्टम है अभी, लेकिन दो ही दिन अभी बाकी है। ई पास सिस्टम का एक लिंक है, हमारा वेबसाइट में भी है, हमारा फेसबुक पेज में भी है, और वाइड पब्लिसिटी किया गया है। हमारा डिस्ट्रिक्ट में कल तक अराउंड 260 पीपल अप्लाई किया, उसमें बहुत रिजेक्शन भी है क्योंकि बहुत फ्रिवलेस रीजंस भी था, बाकी तो हमने दे दिया। गवर्नमेंट बस देखिए 104 में जो जो रजिस्टर किया है उन लोगों का ASTC से बस मिलेगा, 104 में जो जो रजिस्टर किया है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे लोकली बस तो मैनेज नहीं कर पा रहे, बट वी विल प्रोवाइड सम सपोर्ट। फॉर एग्जांपल माइग्रेंट लेबरर्स जैसे बारपेटा का, दुबरी का यहाँ से जाना चाह रहे हैं, उनका ब्रिक किलन से देना चाहता है, विल फैसिलिटेट देम दैट दे विल बी एबल टू गेट सम व्हीकल, बट दे विल डू देयर हायरिंग ऑन देयर ओन।